हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुष्का। बहुत प्यारा वाला स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी कुकिंग वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो लोग नए जुड़े हैं चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूं पनीर की एक ऐसी ग्रेवी फ्रेंड्स, जिसमें मैं शिमला मिर्च का यूज़ कर रही हूं। पर अगर आप नहीं खाते हो शिमला मिर्च, आपके घर में लोग नहीं खाते हैं, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, इन तीनों को लंबा लंबा कट कर लिया है, और साथ ही में अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है। अब मैंने यहाँ पे हंकड़ बनाया है फ्रेंड। हंकड़ के लिए आपको उसको थोड़े टाइम के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरीके से छलनी में छोड़ देना है, और आपकी हंकड़ बनके तैयार हो जाएगी, पानी सारा अलग हो जाएगा। देखिए, पनीर को इस तरीके से डाइसेस में मैंने कट कर लिया है। अब थोड़ा सा काजू मैं भिगोने वाली हूँ दूध या मलाई के अंदर, तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए तक भिगोकर छोड़ दें। अब एक बाउल में हंकड़ लें, उसके अंदर आप हरी मिर्च, धनिया, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और हल्दी, साथ ही में काली मिर्च डालें, और पनीर को इसमें मिक्स करके मैरिनेशन एक तरीके से तैयार कर लें, और इसको उठा करके फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। फॉइल पेपर से रैप करके ही इसको अंदर रखिएगा। उसके बाद एक पैन में ऑयल गरम कीजिए। ये ऑयल हम यूज़ करेंगे पनीर को, जो ग्रेवी है उसको बनाने में। तो जीरा और हींग का तड़का लगा के उसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज जब तक थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए उसको भून लीजिए। भूनने के बाद आपको इसमें जो आपने पेस्ट बनाया है अदरक लहसुन का, वो डालना है। थोड़ा सा और भूनने के बाद अब इसके अंदर मसाले जो है, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, और थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें किचन किंग मसाला या पनीर मसाला जो आता है मार्केट में, जो आप यूज़ करते हो, वो डालें। फ्लेवर के लिए मैं इसमें सौंफ और सूखे धनिए का जो पाउडर है वो भी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसमें टमाटर डाल दीजिए, अच्छे से इसको गलने दें। टमाटर जब तक तेल ना छोड़ दें फ्रेंड्स, इसको भूनते रहें, तभी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए, अब हमारी जो टमाटर है वो भी गल के एकदम तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च, और एक ग्लास के बर्तन से ढक के या किसी भी तरीके से आप इसको ढक करके रखें, और अच्छे से आपको तब तक इसको सिम गैस पर पकाना है जब तक शिमला मिर्च अच्छे से गल नहीं जाती और सब्ज़ी जो है तेल ना छोड़ दे। तो अब हमारी ये सब्ज़ी बनकर एकदम तैयार है। मैं इसको ठंडा करके एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी, और उसके बाद हम इसको मिक्सी में पीस करके इसका एक पेस्ट बनाएंगे। आप चाहें तो इसको फ्रिज में उठाकर रख सकते हैं, और जब ज़रूरत हो पीस कर इसको तैयार कर सकते हैं। तो अब हमारी ग्रेवी भी पिस चुकी है। अब बारी आती है हमारा पनीर टिक्का जो है उसको बनाने की। उससे पहले देखिए, इस तरीके से जो काजू भी भिगोया था उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैं पनीर को एक पैन के अंदर ऑयल डाल करके उसको हल्का हल्का फ्राई करूंगी। इसी तरीके से आप चाहो तो पनीर टिक्का भी बना सकते हो, बस उसको आप इस तरीके से फ्राई करने के बजाय थोड़ा सा ग्रिल भी कर सकते हो, इफ़ यू आर हेल्थ कॉन्शियस और आप ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते हो। एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कि आपको इसको कम आँच पर रखना है। अब अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो दूसरी गैस पर आप एक और बर्तन चढ़ाइए, उसके अंदर ऑयल डाल करके आप थोड़ा सा साबुत लाल मिर्च का तड़का लगाएं, तेजपात, हरी इलायची और काली मिर्च उसके अंदर डालें, और ये जो पिसा हुआ हमारा ग्रेवी थी उसको इसके अंदर डाल दें। अब अच्छे से इसमें तड़का लगा के 5 मिनट तक आप इसको इसी तरीके से भूनें। साथ ही साथ आप देख सकते हो बीच में ना, मैं अपना जो पनीर है उसको भी पलट रही हूँ, और आप देख सकते हो कि एक तरफ से ये सिक्के बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये ऐसा तभी बनेगा जब आप इसको एकदम धीमी आंच पर पकने देंगे, नहीं तो जल सकता है। अब देखिए, ग्रेवी ऑलमोस्ट हमारी पक चुकी है। इसके अंदर अब मैं ये काजू का पेस्ट ऐड करूँगी, उससे इसकी कंसिस्टेंसी और फ्लेवर दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी आएंगी। और 2 मिनट तक आप इसको पकने दें, और उसके बाद साथ ही साथ अपना पनीर भी चेक करते रहें, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो हमारा पनीर भी बन के तैयार हो गया है, और साथ ही में अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी और उबाल आने तक का वेट करूंगी। उबाल आने के बाद आप इसमें पनीर टिक्का जो आपका तैयार है उसको ऐड कर दें, और तकरीबन 7 से 8 मिनट आप इसको पकने दें। कसूरी मेथी भी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो बस अब आप इसको ढककर रख दें, और 7 से 8 मिनट इसको धीमी आँच पर पकाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी सब्जी बनकर एकदम तैयार है। तो आप देख सकते हो कि कितनी गाढ़ी और बहुत टेस्टी लग रही है फ्रेंड्स। कोई बता भी नहीं सकता कि इसके अंदर हमने शिमला मिर्च का यूज़ किया है, और बस प्लेटिंग करके ऊपर से हरा धनिया डालिए और देखिए कितनी स्वादिष्ट लगेगी। सो आई होप मेरी आज की ये कुकिंग रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, मिलूंगी बहुत जल्द मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड टू अनुष्का। बाय बाय।